Hi guys, welcome to the Android PC Editors, and this is Vicky again back with very interesting video. And today I'm gonna show you how to stream your phone media such as music, video, pictures in your PC. तो लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें मैंने बात की थी कि आपके जो फ़ोन सॉरी लैपटॉप में जो आपके मीडिया फाइल्स वगैरह पड़ी हैं उसको आप अपने फ़ोन में कैसे देखेंगे. बट आपके बारे में इसका उल्टा करूँगा, मीन्स आपके पीसी में कुछ पड़ा है सॉरी आपके एंड्रॉयड फ़ोन में कुछ पड़ा है लाइक म्यूज़िक वगैरह कुछ भी, और उसको आपको अपने पीसी पे देखना है तो कैसे देखेंगे आप. तो स्टार्ट करते हैं. तो बिफोर यू स्टार्ट यू नीड अ राउटर फॉर दिस पर्पस. और अगर आपके पास राउटर नहीं है सो यू कैन यूज़ वर्चुअल राउटर विंडोज सॉफ्टवेयर. और आपको नहीं पता ये सब कैसे करना है, कैसे यूज़ करना है, तो इसके लिए वॉच वीडियो, लिंक इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन. और एक बार आप वो वीडियो देख के आइए, उसके बाद फिर कंटिन्यू कीजिए. और अगर आपको देखना है कि आपने मतलब मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है जिसके अंदर मैंने अपने पीसी के लैपटॉप के जो मीडिया को जो मैंने एंड्रॉयड में कास्ट किया था मीन्स उसमें प्ले किया था वो कैसे करते हैं, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको. तो इस काम को कैसे करना है, इस काम को करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको प्ले ऐप डाउनलोड करनी है, बबल UNPP तो इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है. तो जैसे ये मेरा फ़ोन है, हमेशा की तरह वही वाला मेरा फ़ोन है तो मैं इस तरह से कास्ट कर लेता हूँ इसको, हमेशा मैं ऐसे ही करता हूँ तो मेरा एक ही में सब कुछ हो जाता है. तो जैसे ये प्ले स्टोर है, यहाँ पे जाएंगे आप, यहाँ पे आपको आगे सिंपली बस टाइप करना है. ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ था, बाय द वे आप सर्च करिए फिर से बबल ये वाला ऐप है, इसका येलो आइकॉन है. ये देखिए ये बहुत अच्छा ऐप है, ये स्क्रीन कास्टिंग DLNA नेटवर्क पे काम करता है. तो DLNA नेटवर्क क्या होता है, बेसिकली इसमें आपको ना क्वालिटी में कोई रिडक्शन नहीं होता. मतलब जैसे आप वैसे स्क्रीन कास्ट करते हैं या फिर स्क्रीन कास्ट करके आप म्यूज़िक वगैरह सॉरी वीडियो फाइल वगैरह स्ट्रीम करते हैं तो उसमें ना जैसे फुल HD वीडियो है आपके PC में पड़ा है और उसको आपको एंड्रॉयड में देखना है तो फिर उसकी क्वालिटी ख़राब कर देता है वो. पर DLNA एक डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर आपकी क्वालिटी को ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. अगर आपका 1080p का वीडियो है तो वो बिल्कुल आपके फ़ोन में उसी साइज़ में चलेगा, उसी रिजोल्यूशन पे वो चलेगा, तो बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से. तो आपको इस ऐप को यूज़ करना चाहिए. तो आपको सबसे पहले ये डाउनलोड करनी है, इसको इंस्टॉल ऑटोमेटिकली हो जाएगी. उसके बाद क्या करना है, आपको फ़ोन को और PC को सेम वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्ट करना है. इसका क्या मतलब, फ़ोन है और जो आपका लैपटॉप है वो आपका जो घर में राउटर होगा एक फिज़िकल राउटर उससे कनेक्ट होना चाहिए. अब क्वेश्चन है कि राउटर नहीं है तो क्या करेंगे, तो उसका सोल्यूशन तो मैं सबसे पहले दे चुका हूँ. जिनके पास राउटर नहीं है वो मेरा ये वाला वीडियो देखिए, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और वहाँ पर जाके आप वीडियो देखिए. तो उसके बाद वो उसमें पता मैंने बताया हुआ है कि आपके पास राउटर नहीं है फिर भी आप इन दोनों को सेम वाईफाई नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं. एक बार कनेक्ट कर लीजिए और उसके बाद वापसी आके इस वीडियो को देखिए. तो एक बार ये हो जाएगा, इतना करने के बाद अपने लैपटॉप में जाना है, PC में सर्च बार में जाना है, वहाँ पर विंडो मीडिया प्लेयर टाइप करना है, ये विंडो मीडिया प्लेयर इस तरह लिखेंगे और वो बाहर आ जाएगा. और उसके बाद करनी है कुछ सेटिंग्स, जैसे मैं करूँगा उसके अंदर आपको ध्यान से देखना है. तो लाइक मैं गया, ये मेरा विंडो मीडिया प्लेयर यस ये रहा विंडो मेरा मीडिया प्लेयर. ओके, इसमें भी आपको एक छोटा सा काम करना है. जैसे ये आपका म्यूज़िक का फोल्डर है, राइट क्लिक मैनेज लाइब्रेरी म्यूज़िक लाइब्रेरी, और यहाँ पे आपको वो फोल्डर सेलेक्ट करने हैं जहाँ जहाँ पे आपकी ऑडियो की फाइलें रखी हुई हैं, चाहे वो लोकेशन में कहीं भी हो सकते हैं, पूरे कंप्यूटर में कहीं भी किसी ड्राइव में पड़े हों. लाइक ये रहे मेरे सारे ड्राइव यहाँ पे आ जाते हैं, ये रहे सारे ड्राइव कहीं भी पड़े हों, उन सारे फोल्डरों को आपको यहाँ पे ऐड करने हैं. मल्टीपल फोल्डर यहाँ पे ऐड कर सकते हो. सिमिलरली आपको वीडियो के साथ भी करना है,
वीडियो में जाके वहाँ वो सारे फोल्डर जहाँ पे आपके वीडियो रखे हैं उनको ऐड कर दीजिए एंड ओके प्रेस कीजिए। उसके बाद वो करना जरूर भूलना नहीं है। और उसके बाद सिमिलरली यही काम करना है आपको, पिक्चर्स जहाँ जहाँ पे पड़े हैं तो एक तरह की लाइब्रेरी आपके यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्ट्रीम का, इस पर क्लिक कीजिए, टर्न ऑन स्ट्रीमिंग, ओके कीजिए। इसको करना है टर्न ऑन स्ट्रीमिंग, ये इन दोनों पर चेक कीजिए, जहाँ पे जितनी भी चीज़ें होंगी इन पर चेक कीजिए, ये लोकल नेटवर्क में होना चाहिए आपका, इसको लोकल कर लीजिए अगर ये ऑल पे है तो। और उसके बाद इसको अलाउ अलाउ कीजिए और ओके कर दीजिए, इतना काम हो गया। उसके बाद फिर से इस पर क्लिक कीजिए, अलाउ रिमोट कंट्रोल ऑफ माई प्लेयर, ओके, एंड अलाउ रिमोट कंट्रोल टू दिस नेटवर्क, ओके। बस इतना काम आपको करना है। उसके बाद अब क्या करना है, अब हमें अपने सारे लैपटॉप का जो भी चीज़ें हैं, जो भी सॉरी हमारे फ़ोन की जो भी हमारी चीज़ें हैं उनको हम अपने लैपटॉप में चलाएंगे। तो ये हमारा काम है डेफिनेटली। तो अब हमें एंड्रॉयड की चीज़ों को इसमें यूज़ करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो ऐप है हमारा बबल UNPP, इसमें जाना है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे लोकल रेंडरिंग की जो सेटिंग है इस पर आपको क्लिक करना है, उसमें सेलेक्ट करना है आपके पीसी का नाम, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया होगा जो भी आपने अपने पीसी का नाम रखा है, उसको ओके कर देंगे, हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे लाइब्रेरी सेटिंग में आना है और इसको करना है ओपन, और इसको करना है लोकल मीडिया सर्वर, ठीक है, ये दोनों काम हो गए। उसके बाद यहाँ पे आना है लाइब्रेरी में, ये कीजिए लाइब्रेरी पे, और सॉरी इसको आप ऐसे कर दीजिए, इसे यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं आप चाहें तो, इसको आपको लोकल ही रखना है। ये देखिए ये रहना लोकल मीडिया सर्वर, ये रहा। तो ये जो चीज़ है, अब ये जो खुला हुआ इंटरफेस ये आपके फ़ोन का है बेसिकली, और ये आपका बंद नहीं होना चाहिए यहाँ पे मीडिया प्लेयर। आप देखिए मैं करूँगा इसमें, जैसे मैं वीडियो पे गया, अब मेरे फ़ोन में जो भी वीडियो पड़े हैं फ़िलहाल के लिए, तो मेरे फ़ोन में पड़े हैं इस टाइम एक गेम, ये कुछ मूवी पड़ी है, सॉरी मेरे फ़ोन में ज़्यादा वीडियो नहीं है, बाय द वे एक ये मूवी पड़ी है, ये ग्रेविटी मूवी है। सो मैं इसको ही प्ले कर लेता हूँ फ़िलहाल के लिए। ये देखिए मैं इस पर यहाँ पर टैप करा, और अब क्या होगा, ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ मीडिया प्लेयर में मेरे में चल गई, अब ये यहाँ पे चल रही है बेसिकली। अब आप इसको चाहें तो अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है, फ़ोन को छुए भी ना एक बार इसे कनेक्ट करने का, तो ऐप ऑन पृथ्वी से 6000 किलोमीटर, ये देखिए, और ये देखिए इसकी क्वालिटी अभी इसमें देख पा रहे हैं कि बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं हुई है। वैसे तुम भी बुरे नहीं, ये मेरे फ़ोन में पड़ा है, ये मेरे लैपटॉप में, बहुत अच्छे से काम कर रही है। और इसको मैंने बंद कर दिया है, और अगर आपको मतलब बार बार फ़ोन नहीं छूना तो यहाँ पे कैसे एक्सेस करेंगे, बहुत इजी है। ये देखिए यहाँ पे आपके फ़ोन का ना ऑटोमेटिकली अदर मीडिया में नाम आ, यहाँ पे देखो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो जो आपके फ़ोन में होंगी, लाइक पिक्चर होंगी, तो मैं ऑल पिक्चर पर क्लिक करूँगा, ये देखिए सारी मेरी पिक्चर आ जाएंगी जो भी कुछ है। सॉरी ये अभी आई थिंक टाइम ले रहा है, बट ये जो भी है सारी चीज़ें यहीं पे आ जाएंगी। ये देखिए सारा म्यूज़िक, ये मेरे फ़ोन का म्यूज़िक है एक्चुअली में, ये देखिए ये मेरे पिक्चर्स आ गए सारी इसमें जितनी भी थी, वीडियोस मेरे ऑलरेडी जो भी आ चुके हैं, मैंने बीवी की वाइंस वगैरह रखा हुआ है इसमें, तो यही सब जितना भी मेरा स्टफ़ है वो ऑटोमेटिकली इधर आ जाता है। तो आप इसे चाहें तो यहाँ से एक्सेस कीजिए, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है, वही है, डिफरेंट नहीं है वो। तो ये ऐप को मैंने ये चीज़ आपको बता दी है सेट करना इस तरीके से, इन्जॉय स्ट्रीमिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वर्क गिव मी थम्स अप एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, फॉर मोस्ट ऑफ visit my channel, subscribe my channel, thank you so much, thank you so much.